सो ये है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन। इसमें टीसी और सेम सीसी के लिए भी है, जिसमें कि आप एसएलसी की जगह पे सीसी या टीसी कर लिख सकते हैं और बाकी का वही सेम। सो यहाँ पे ये काफ़ी शॉर्ट में है, बहुत इम्पोर्टेंट ये है एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन। तो इसमें आप देख लेते हैं, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुना एमपी या फिर रीव एमपी या जो भी है भोपाल एमपी, ऐसा लिख करके लिख सकते हैं अपने तरीके से। ये कंपलसरी नहीं है कि आप जो इसमें लिखा है सेम उसी तरीके से लिखें, आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर एसएलसी, अगर आपका सीसी का आया है कैरेक्टर सर्टिफिकेट या टीसी, तो यहाँ पे सेम चीज़ लिख देंगे। ओके, फिर रिस्पेक्टेड सर या सर, ये सबसे सरल है, काफ़ी जी ज़्यादा लंबा नहीं है, जो कि आपको अच्छे से आ जाएगा, बन जाएगा। रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ, क्लास टेंथ है सेक्शन सी ऑफ योर स्कूल। यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई बेग टू से भी यहाँ लिख सकते हैं से दैट एस ए वाई, या फिर स्टेट भी लिख सकते हैं क्लास टेंथ सी ऑफ आई एम एस। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं रेगुलर स्टूडेंट, यहाँ पास रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ सी, और बड़ा करने के लिए थोड़ा वो, और फिर स्कूल आई हैव पास्ड माय क्लास नाइन्थ एग्जामिनेशन दिस ईयर, है ना। इस तरीके से अगर इलेवेंथ के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे इलेवेंथ लिख देंगे, कल लिख देंगे ऐसे इस तरीके से। फिर माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू देवास डिस्ट्रिक्ट या रीवा डिस्ट्रिक्ट या भोपाल, आप इसको बड़ा करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम रीवा टू देवास डिस्ट्रिक्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं। सो आई विल बी अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडीज हियर, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई यहाँ पे जारी नहीं रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, जो भी है। काइंडली इशू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इशू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अगर टीसी के लिए तो यहाँ पे सीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिख देंगे, सीसी है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए इसकी जगह पे, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की जगह पे। एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके इशू करने की आप कोशिश करें, ऐसा इसमें दिया गया है। एज अर्ली एज पॉसिबल या फिर एज सून एज पॉसिबल, डेट लिखना है आपको, फिर यहाँ पे डेट 10 फरवरी 2023 या फिर जो आज की डेट करंट डेट होगी जिस दिन को, वो लिख देना। योर ओबीडियंट स्टूडेंट या फिर योर ओबीडियंटली एक्स वाई जेड या क्लास सेक्शन, ऐसे करके लिख देंगे। ये पूरा एक बार मैं दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, ये देख सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके का है, कोई हार्ड नहीं है। यहाँ पे आप चाहे तो आप ये वाला पार्ट जो है तो इस साइड भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये डेट इसके नीचे लिख सकते हैं, या फिर ये वाली डेट आप यहाँ भी लिख सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से। थैंक्स वॉचिंग वीडियो, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ओके।